जिस मुंबई में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद को महाराष्ट्र की सरकार छूने से डरती है, उस पर मोदी सरकार का एक्शन शुरू हो गया है। इब्राहिम की कुछ 6 संपत्तियों की नीलामी हो गई, जिससे सरकार ने 22,79,600 रुपए की कमाई की। इस खबर की पूरी डिटेल देखिए इस रिपोर्ट में। जिस दाऊद इब्राहिम का सिक्का पूरी मुंबई में चलता था, अब उसी की संपत्ति की नीलामी हो रही है। दाऊद की करोड़ों की संपत्ति अब सरकार के हाथ में पहुंच चुकी है। दाऊद की 7 में से 6 प्रॉपर्टी को सरकार ने नीलाम कर दिया है, जिसमें दाऊद की पुश्तैनी हवेली भी शामिल है। सरकार ने आतंकी दाऊद की प्रॉपर्टी की नीलामी 22,79,600 रुपए में की है। दाऊद इब्राहिम की पुश्तैनी हवेली महज 11,02,000 में बिक गई। दाऊद की संपत्ति दिल्ली के 2 वकीलों ने खरीदी है, जिसमें से दिल्ली के वकील अजय श्रीवास्तव को 2 संपत्ति और दिल्ली के ही भूपेंद्र कुमार भारद्वाज को 4 संपत्ति मिली है। दाऊद की एक और प्रॉपर्टी की नीलामी नहीं हो सकी, क्योंकि उसमें कोई टेक्निकल दिक्कत थी। नीलामी में दाऊद का करीबी इकबाल मिर्ची का नाम भी शामिल है। इकबाल मिर्ची की संपत्ति इस बार भी नीलामी में नहीं बिक पाई। उसकी संपत्ति जुहू में है। बोली लगाने वालों का मानना है कि संपत्ति की वैल्यू बहुत ज्यादा लगाई गई है, इसीलिए वे बोली लगाने से पीछे हट गए। ईडी ने दाऊद के सहयोगी इकबाल मिर्ची के परिवार के सदस्यों से जुड़ी 7 संपत्तियों को पिछले महीने ही सामने लाया। इनमें एक सिनेमा हॉल, एक होटल, एक अंडर कंस्ट्रक्शन होटल, 2 बंगले और जमीन भी शामिल है। जब्त की गई संपत्तियों की कीमत 22 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। 2 साल पहले दाऊद की 3 संपत्तियां भी नीलाम की जा चुकी हैं। 2018 में नागपाड़ा में बने दाऊद के रौनक अफरोज होटल, डांबर वाली बिल्डिंग और शबनम गेस्ट हाउस को नीलाम किया गया था। उसके बाद दाऊद की बहन हसीना पार्कर का फ्लैट भी नीलाम कर दिया गया था। मुंबई धमाके के बाद से दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में छिपा है, लेकिन उसका कारोबार उसके गुर्गे धड़ल्ले से चला रहे थे। राजनीति दलों और बॉलीवुड से दाऊद के रिश्ते हैं, इसलिए अब तक वो बचता रहा। लेकिन अब लगता है कि मोदी सरकार ने दाऊद के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है। कैपिटल टीवी के साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने सुझाव हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।